हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वन मार्क क्वेश्चन वीडियो ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। मैं हूं दिशा और जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। 1945 से कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ, 1990 में आके खत्म हो गया, देन यूएस इमर्ज एज अ हेजेमनी। बट इसके साथ साथ कुछ सेंटर्स थे जिनके पास अपनी पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो इन ऑल्टरनेटिव सेंटर्स को डिस्कस करेंगे जिनके पास पावर आई। क्वेश्चन नंबर वन, What is the full form of ASEAN? So ASEAN का full form है Association of Southeast Asian Nations. Question number two is how many stars does the European Union flag has? Correct answer is 12. और ये blue color का flag है, इसमें circle में 12 stars placed होते हैं। And जो इसमें gold stars हैं वो solidarity और harmony को show करता है यूरोप के जो 12 states हैं उनकी। And जो 12 है ट्रेडिशनली वो एक सिंबल है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का, यूनिटी का। और एडिंग अ लिटिल ट्रिविया टू दिस, अमेरिका के फ्लैग में 50 स्टार्स होते हैं और ये 50 स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका के 50 स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, अंडर व्हाट प्लान डिड अमेरिका एक्सटेंड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप इकोनॉमी पोस्ट वर्ल्ड वॉर? तो कौन सा प्लान एक्सटेंड किया था अमेरिका ने? इट वॉज कॉल्ड मार्शल प्लान। Question number 4 is under the Marshall Plan the OEEC was established in 1948 to channel aid to the West European states. What does OEEC stands for? OEEC ka full form kya tha? It was Organization for European Economic Cooperation. Marshall Plan ke under isko establish kiya gaya tha. Question number 5 is in which year did the European Union come into existence? Iska correct answer hai in year 1992. ऑल्सो यूरोपियन यूनियन के फाउंडेशन से यूरोप के जितने भी देश थे जो इसके मेंबर्स थे उनके लिए एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी, होम अफेयर्स, जस्टिस, ये प्रावधान शुरू हुए। और ऑल्सो इन्होंने बाद में आकर के एक सिंगल करेंसी अपने लिए बना ली विच वॉज यूरो। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन 2013 विच कंट्री बिकेम द 28th मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? ऑप्शन ए इज इस्टोनिया, बी इज स्लोवेनिया, सी रोमेनिया और डी क्रोएशिया। तो करेक्ट आंसर है इसका डी क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन डिड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस? ऑप्शन ए इज अक्टूबर 1990, बी दिसंबर 1991, सी मार्च 1991 या डी जुलाई 1992। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था अक्टूबर 1990 में, तो करेक्ट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, यूरो द न्यू करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज इन व्हिच ईयर? आपका आंसर है जनवरी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। द स्टेटमेंट इज द लिस्बन ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 2009। सो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल्सो जो लिस्बन ट्रीटी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद द यूरोपियन यूनियन। ब्रेग्जिट के लिए इसी के आर्टिकल 50 को रिवोक किया गया था। सो इन केस यू वांट टू रीड दिस इन डिटेल आप पढ़ सकते हैं जाके। Question number 10, in 2016 which country conducted a referendum for leaving the European Union? तो कौन सी कंट्री थी? It was Britain. Also ये जिसको जो टर्म दिया गया था it was called Brexit. Question number 11 is ASEAN was established in dash by signing Bangkok Declaration. तो कौन सी ईयर में हुआ था ये? It was in year 1967. और इसमें 5 founding member countries थी initially. Question number 12 is which country is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040? Correct answer iska hai China. Question number 13 is which of the following nations adopted an open door policy? Option A is China, B South Korea, C Japan or D USA. So iska correct answer hai A China. And जो ओपन डोर पॉलिसी है इट इज वेरी मच सिमिलर टू शॉक थेरेपी। बट शॉक थेरेपी में क्या हुआ था कि मार्केट को एब्रप्टली ओपन कर दिया गया था जिससे कि डेवेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ था। बट ओपन डोर पॉलिसी में चाइना ने अपने मार्केट को स्टेप बाय स्टेप ओपन किया जिससे उनकी इकोनॉमी को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं झेलना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन ट्रू एंड फॉल्स है। स्टेटमेंट है आफ्टर अनाउंसिंग ओपन डोर पॉलिसी चाइना वेंट फॉर शॉक थेरेपी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। चाइना ने शॉक थेरेपी नहीं अडॉप्ट की थी, उसने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को खोला जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
A is China's accession to World Trade Organization. B is establishment of the EEC, that is European Economic Community. C is establishment of the European Union. D is birth of ARF, that is ASEAN Regional Forum. इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. सबसे पहले आएगा इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईईसी, व्हिच वाज इन ईयर 1957. उसके बाद यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश हुआ 1992 में, फिर आसियान रीजनल फोरम 1994 में, फाइनली चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया 2001 में. क्वेश्चन नंबर 16 इज द आसियान वे. आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आसियान वे के बारे में सही है. A is reflects the lifestyle of ASEAN members. B is a form of interaction among ASEAN members that is informal and cooperative. C is the defense policy followed by the ASEAN members. Ya D the road that connects all the ASEAN members. So iska correct answer is B. Ek form of interaction hai jo ASEAN members ke sath hota hai. It is informal and cooperative. Question number 17 is in ASEAN logo, what does the 10 stalks of paddy, that is rice, represent? आपको flag screen पे दिख रहा होगा. So what does these paddy stalks represent? Correct answer है इसका. जो साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज हैं उनको एक फ्रेंडशिप और सॉलिडेरिटी में बाउंड दिखाता है ये. Question number 18 is the border conflict between China and India in 1962 was principally over dash and dash regions. So, ye kaun se do regions the? It was Arunachal Pradesh and Aksai Chin. Question number 19 is China entered into bilateral relations with a major country in 1972. Aapko is major country ka naam batana hai. It is important because world dynamics change ho jate hain jab to itni badi countries saath mein aa jati hain. So it was the USA. Question number 20, which organization of ASEAN deals with security? So security se deal karne ke liye ASEAN ne 1994 mein ek organization banaya, uska naam tha ASEAN Regional Forum. Question number 21 is the European Union was established under the treaty of what? Correct answer is Maastricht. So European Union established hua tha under the treaty of Maastricht. Next up, question number 22, which among the following statements about the objectives for the establishment of European Union is false? A is to provide a common foreign policy, B is creation of a single currency, C is establishment of a common market, or D cooperation on justice and home affairs. So isme se ek incorrect hai, aapko batana hai kaun sa. So European Union ka objective definitely ye to tha ki ek common foreign policy banaye, एक सिंगल करेंसी बनाने का भी था, यूरो यहां से बना था. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन मार्केट नहीं था, एंड कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स भी था. सो द राइट आंसर इज सी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन मार्केट. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 23, ओके सो दिस वन इज सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन. उसमें आपने यूरोपियन यूनियन के रेफरेंस में बताना था, इसमें आपको आसियान के रेफरेंस में बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव करेक्ट नहीं है. फर्स्ट वन इज अ फोरम ऑफ इंटरेक्शन अमंग द आसियान मेंबर्स, विच इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ओके, सेकेंड वन इज टू क्रिएट अ डिफेंस पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई इट्स मेंबर्स. तो आसियान ने ऐसी कोई डिफेंस पॉलिसी नहीं बनाई थी. थर्ड वन इज टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट इन द रीजन. ये आसियान का एक ऑब्जेक्टिव था. एंड डी इज टू स्टॉप टेरिटोरियल डिस्प्यूट. दिस वन वॉज ऑल्सो अ मोटिव. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, टू क्रिएट अ डिफेंस पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई इट्स मेंबर्स. ये आसियान का ऑब्जेक्टिव नहीं था. क्वेश्चन नंबर 24 इज एज परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, विच स्पेशल पावर डू ब्रिटेन एंड फ्रांस एंजॉय. सो being the members, permanent members of UN Security Council, Britain or France ke paas jo power hai, it is called veto power. Coming to question number 25, name any two founder members of ASEAN. Panch founder members hain, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Thailand. Aap inme se koi bhi do likh sakte hain. And yaad karna important hai, last year ke question paper mein ye question pucha gaya hai. And repeat hone ke chances hain. Okay guys, so this was all in this video, and if somehow you have managed to reach the end of this video, please do like, share and subscribe. Also comments mein aap apni queries aur apne suggestions chhod sakte hain. If you want to check out last year ke papers ya notes, do visit our website
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ वेरी सून. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.